15 हो गए थे क्या? विक्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात 3:4 है, दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की दो समान क्रमागत छूट देता है, मेज को 2,250 रुपये में बेचता है, इस लेन देन के दौरान होने वाली हानि ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात मुझे बताओ, किस पर छूट दी गई है? अंकित मूल्य पर। और हमें क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य दिया हुआ है। और मैं ये कहूँगा यहाँ पर कि MRP गुणा डिस्काउंट बराबर सेलिंग प्राइस, ऐसा ही होता है। अब बताइएगा MRP कितनी है? नहीं पता। डिस्काउंट कितने हैं? एक नहीं, डिस्काउंट दो बार दी गई है। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4, कम करेंगे तो 3/4, और क्या करेंगे बताइएगा? फिर से करेंगे तो 3/4। यस और नो? कितनी बार डिस्काउंट दिया गया है? दो बार डिस्काउंट दिया गया है। समझ गए क्या? ठीक है, अब बताइएगा डिस्काउंट देने के बाद में कितनी बार डिस्काउंट दिया गया है? दो बार। तो सेलिंग प्राइस कितना गया बताओ? 2,250 रुपये। 2,250 रुपये, ठीक है। अब बताइएगा 5 और 2 7, 7 और 2 9, इसका मतलब 9 से पूरा डिवाइड हो जाएगा क्या? 3 × 3 9 होते हैं, 9 से काटेंगे तो 9 × 2 = 18, 9 × 5 = 45, 250 हो गए। अब 250 को हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताइएगा? यानी MRP हमारे पास आ जाएगा 0, 16 × 5 = 80, 16 × 2 = 32, 32 × 8 = 4,000 आ चुका है हमारे पास MRP। आगे हमारे पास क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो देखिएगा, यहाँ CP दे रखा है और MRP दे रखा है, और उसका भी क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है। तो मैं यहाँ से देखो 3:4 है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि अगर 4:4000 तो 1:1000 तो 3:3000, और ये 3000 क्या है बताइएगा? क्रय मूल्य। क्या है बताइएगा? क्रय मूल्य। अब ये बोला गया है कि इस लेन देन के दौरान होने वाली हानि, हानि या लाभ दोनों किस चीज़ पर होते हैं? ये हानि या लाभ क्रय मूल्य पर होते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की आवश्यकता पड़ेगी। विक्रय मूल्य कितना है? 2,250। क्रय मूल्य 3,000। बताइए कितने की हानि हुई है? 500 रुपये की हानि हो रही है, ठीक है। चलिए सॉरी, 2,250 है हमारे पास, कितने की हानि हुई है हमारे पास? 750 रुपये की। बोलो कितने की हानि हुई है? देखिए क्रय मूल्य कितना है? 3,000। विक्रय मूल्य कितना है? 2,250। कितने की हानि हो रही है? 750 रुपये की। तो हानि कितने की आई बताइएगा? 750 रुपये की। 3,000 में से 2,250 घटा देंगे, कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। 750 रुपये में खरीदा जाता है, 8% की हानि पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 8% का मतलब कितना होता है? 2/25। 2/25। अब बताइएगा अगर हानि हो रही है तो हो जाएगा 23/25। इसमें 25 क्या है मेरे पास? CP, और 23 क्या है? SP, राइट। अब मुझे बताइएगा हमें दिया क्या है? CP। क्या दिया है? खरीदा है तो CP दिया हुआ है। तो मुझे बताइए 25:1 बराबर क्या हो जाएगा? 750। 1:30। 23:690, ये आ जाएगा हमारे पास 23:00। कितना हो जाएगा? 690। आप मुझे बताइए ये क्या हो जाएगा आपका बताइएगा? विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा बताइएगा? विक्रय मूल्य। क्या समझ में आया या नहीं आया? आ गया क्या?
एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करते हुए वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, 25% का लाभ भी कमाता है, 1000 के स्थान पर वह कितने वजन का उपयोग करता है? और सिंपल सा कंसेप्ट है, ये 25% का लाभ वजन पर ही है। तो हम लोग ये जानते हैं कि 25% का मतलब होता है 1/4, और यहाँ पर जो क्या हुआ है, लाभ हुआ है, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 5/4। 5/4। आप मुझे बताइएगा ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये हो जाएगा हमारे पास सीपी, और ये क्या हो जाएगा, एसपी। पर इतना जरूर ध्यान रखना, हमारे पास जो एक्चुअल 1000 ग्राम का वजन है वो हमारा एसपी कहलाता है, इतना जरूर ध्यान रखना। और वजन में जो गड़बड़ी की गई है, गड़बड़ी करने के बाद में जो वजन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सीपी, ठीक है कि नहीं है। लागत केवल दुकानदार के वो गड़बड़ करने के बाद वो जो वजन यूज कर रहा है उतनी की लागत आएगी, ठीक है। तो मुझे बताइएगा 5:1000, 1:200, 4:200 × 4 कितना हो जाएगा, 800, कितना हो जाएगा, 800। अब 800, अब ग्राम में देखिए वजन की बात हो रही है, अगर ये भी ग्राम में है, वजन में है, तो ये भी किस में होगा, वजन में ही होगा, ये भी सीएम होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला किसी वस्तु को 950 रुपए में खरीदती है, उसे 1150 रुपए में बेच देती है, उसका प्रतिशत लाभ कितना है, ठीक है। मुझे बताइए सीपी कितना आएगा, 950, एसपी कितना है, 1150, 0 से 0 कट जाएगा, काटेंगे हम लोग इसको कितने से काटेंगे, 5 से काटेंगे, कितना आएगा, 19, 23, राइट। अब बताइए उसका प्रतिशत लाभ कितना है, लाभ कितने का लाभ हो रहा है बताइएगा, 4 का लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, 4 का लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ कितने का होगा बताइएगा, 4 का, कितने पर, 19 पर, गुणा में कितना, 100 हो जाएगा क्या। अब निकटतम पूर्णांक में आंसर देना है, तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पॉइंटों में पर 19 × 38 और कितना बच गया, 19 से कम 19, 1, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली क्या आ रहा है अपने पास, 21% आ रहा है, लगभग लगभग पूर्णांकित करने। अब अगला क्वेश्चन है, याद है ये क्वेश्चन, बहुत बार किया है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, आपको पता है कब पूछा गया है, एसएससी सीडी, ठीक है, 2023 में। अब आपको पता है कि ऐसी कंडीशन में ये नीचे वाला मान क्या कहलाएगा बताओ, सीपी, ऊपर वाला मान क्या कहलाएगा, एसपी। अब आप कहें कि हमें समझ में नहीं आया ऐसे कैसे मान लिया है, तो आपको दे रखा कि विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का 4/3 है, तो अब आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये मान विक्रय मूल्य और ये मान क्रय मूल्य। आप मुझे बताइए इसमें सीपी और एसपी है, सीपी कितना आएगा, 3, एसपी कितना आएगा, 4, बताइए कितने का लाभ हो रहा है, 1 का, बताइए लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितना होगा, 1/3 × 100, कितना आ जाएगा बताओ, 33 सही, 1/3%। कौन सा ऑप्शन होगा बताओ, बी ऑप्शन, 33 सही, 1/3%, क्लियर हुआ सभी का, कोई दिक्कत,
नहीं है। यदि कोई व्यक्ति 12 रुपए में 15 पेंसिलें खरीदता है और 15 रुपए में 12 पेंसिलें बेचता है तो लाभ या हानि प्रतिशत है। अब देखिए इसका कंसेप्ट भी देखिए, जब आप ए रुपए में बी वस्तुएं खरीदता है और सी रुपए में डी वस्तुएं बेचता है तो हमारे पास जो कंसेप्ट था वो क्या था, एक वस्तु का क्रय मूल्य और वो होता रुपए बटा वस्तु, एक वस्तु का विक्रय मूल्य वो होता रुपए बटा वस्तु। और इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल लेते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, लाभ या हानि। और हम लोग निकाल लेंगे क्या, लाभ परसेंट और या हानि परसेंट। अब देखिए ये तो हुआ अपना कंसेप्ट, क्या हुआ कंसेप्ट। अब देखिए आगे, क्या करना है बताइए, अगर मैं खरीदता हूं तो एक वस्तु का क्रय मूल्य रुपए बटा वस्तु, एक वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए बटा वस्तु। अब हम लोग इसको काटेंगे तो करते हैं तो काट देंगे, तीन चौक 12, तीन पंजे 15, तीन पंजे 15, तीन चौके 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 25 कितना आएगा बताइएगा, 9 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यस और नो। तो मुझे क्या निकालना है, लाभ निकालना है, लाभ प्रतिशत, लाभ कितने का हुआ है 9 का, कितने में से 16 में से, गुणा में कितना 100, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 से काट लो थोड़ा, 4 चौके 16, 4 से काटेंगे 25, नाम 225 बटे 4, अब भाग दे दो कितना आता है, 4 पंजे 20, 4 छके 24, ठीक है 56.25 प्रतिशत की क्या हो रहे हैं, लाभ या हानि, लाभ। कौन सा आंसर आएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, क्लियर है, हो गया क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ठीक है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, करेंगे कैसे करते हैं। सुमन 40 किलोग्राम गेहूं 12.50 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 किलोग्राम गेहूं 14 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदती है, कुल मिलाकर 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मिश्रण को प्रति केजी किस दर से बेचना चाहिए। आप मुझे बताइएगा, आपको ये दर पूछी गई है आपसे, इसमें सीधा मान पूछा गया है और एक तरह से बात कर सकते हैं एवरेज मान पूछा गया है, यही है ना, क्या पूछा गया है, एवरेज मान पूछा गया है। एक बात बताइए, यहाँ पर पहले वजन कितना है, 40, कितना है 40, और फिर वजन कितना है 30। एक काम करते हैं, इस वजन को थोड़ा कम कर लेते हैं, कर लें, अब टोटल वजन कितना हो गया बताओ, टोटल 7। अब बताओ इसके लिए रेट कितनी है, 12.50, इसके लिए 14 रुपये पर केजी, और इसका आपसे पूछा ही गया है, क्या पूछा ही गया है ना, पूछा ही गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं इसको गुणा कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 20, 50 आ जाएगा क्या, 14 42। अगर टोटल वजन की बात करते हैं इस आधार पर, सॉरी, अगर टोटल अगर हम लोग खरीद की बात करते हैं, क्योंकि रेट क्या है अपने पास 12.50, कितना किलो है 4 किलो है, मूल्य कितना आया 50, इसका मूल्य 42, टोटल मूल्य 92 कितना आया 92 आ गया क्या। अच्छा मुझे बताइए इसके आधार पर, आप मुझे बताओ इसके आधार पर रेट क्या निकल जाएगी, मुझे पता है ये क्या है रेट, एक्स है ना, अरे हाँ या ना, इसकी दर, ये नहीं आई बात समझ में, समझाओ दोबारा से, एक साथ समझ लो नहीं तो, मुझे बताओ कितना किलोग्राम गेहूं है, 4 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का भाव कितना है 12.50, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 50,
प्लस अब बताओ यहाँ कितना किलोग्राम है, 3 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का भाव कितना है 14, गुणा करेंगे तो 42 बराबर। यहाँ बताओ यहाँ पर वजन कितना टोटल 7 और भाव कितना है नहीं पता, बताइए भाव निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बताइएगा। इसका भाग दे दें इसमें, x बराबर 92/7, लेकिन ये जो भाव आया है इस पर भी मुझे कितने परसेंट का लाभ चाहिए, बेचा है ना, ठीक है, कितने परसेंट का लाभ चाहिए, 5% का लाभ की दर से बेचेगा। अभी तो ये क्रय मूल्य की दर आई है, किसकी दर आई है, और इस पर किस दर से बेचेगा, वो 5% लाभ पर बेचेगा, तो इसका 5% लाभ का मतलब कितना होता है 21/20। तो आप मुझे बताइएगा ये क्या है, बताइए क्रय मूल्य है कि नहीं है, आप लोग निकाल सकते हैं, तो मुझे बताइएगा क्रय मूल्य इसमें क्या है, 20 अनुपात बराबर बोलो कितना है 92/7, तो बताइए 21 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 92/7 गुणा 21/20 यही होगा, जो बराबर में है वो बटे में, जो है ना इक्वल में है वो गुणा में आएगी कंडीशन जिसका निकालना है, 7 * 21 राइट। अब बताएं 2 से काटेंगे तो 10, 2 से काटेंगे 2 * 8, 2 * 6 = 12 कितना आ जाएगा 18, 12 + 1 = 13 कितना आया 13.8। मुझे बताओ बेचने की दर किसी कौन सी होगी 13.80 रुपये पर केजी, कितनी होगी 13.80 रुपये पर केजी हमारी बेचने की दर होगी। क्वेश्चन समझ में आया क्या, पहले ये उतारेंगे उसके बाद में ये उतारेंगे, अगला क्वेश्चन शुरू करूं मैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशि एक पुराना रेफ्रिजरेटर 12,000 रुपये में खरीदता है, इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये खर्च करता है, यदि वह रेफ्रिजरेटर को 15,000 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सुनिए मुझे बताओ जो मरम्मत का खर्च होता है वो किस में ऐड होता है, क्रय मूल्य में, तो यानी यहाँ सीपी कितना हो जाएगा 13,000 रुपये, एसपी कितना हो जाएगा 15,000 रुपये, लाभ कितना हो जाएगा 2,000 रुपये, लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 2,000 / कितना हो जाएगा 13,000 रुपये, गुणा में कितना आएगा 100, 30 से 30 कितना आएगा बताइएगा, 15 * 5/13% का क्या होगा बताइएगा लाभ, कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा, होगा कि नहीं होगा, क्लियर है, कंफर्म है, श्योर है, आगे बढ़ जाएं क्या, ठीक है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 किलोग्राम के वास्तविक वजन के बजाय एक बेईमान दुकानदार द्वारा उपयोग किया जाने वाला दोषपूर्ण वजन कितना है, हम लोग ये जानते हैं, देखिए जब भी 1 किलोग्राम वजन का प्रयोग किया जाता है, कितने किलोग्राम 1 किलोग्राम, यानी उसमें कितने ग्राम होते हैं 1,000 ग्राम। अब आप मुझे ध्यान से सुनिएगा, अगर वह बेईमानी कर रहा है लेकिन फिर भी बोला मैं अपने जितने में खरीद रहा हूँ उतने में बेच रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा बताइएगा, 1 किलोग्राम वजन का ही प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब जितना खरीदा उतने में बेच रहा है, इसका बेच कितने ग्राम रहा है बताओ, 1,000 ग्राम, किसकी नज़र में, ग्राहक की नज़र में, लेकिन दुकानदार की नज़र में तो दुकानदार बेईमानी कर रहा था, उसकी नज़र में मुझे बताओ कितने परसेंट की बेईमानी कर रहा है, 25% की, मुझे बताइए यहाँ पर जो भी होगा वो क्या कहलाएगा हमारा, क्रय मूल्य यानी लागत होगी, लागत वजन होगा, ये ध्यान रखना। अब हम लोग कर लेते हैं इस चीज़ को, कैसे करेंगे, हमें दिया है 25%, ठीक है, इन दोनों पे जो भी लाभ हुआ है
देखिए लागत आई है पता नहीं, लेकिन लाभ कितने का लिया है 25% का। अब ये दोनों कंडीशन है तो ये मान हम लोग निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे, 25% का मतलब होता है 1/4 और लाभ होगा तो बताइए कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा क्या। अब मुझे बताइएगा इसके अंदर 5:1 बराबर कितना दिया हुआ है, 1000, 1:1 बराबर कितना दिया है 200, तो 4:1 बराबर कितना दिया है 800। तो इसका मतलब यहाँ पर जो बेईमानी करने के बाद दुकानदार की जो लागत आ रही है वो कितने ग्राम की आ रही है, 800 ग्राम की, ठीक है कि नहीं है। तो दोषपूर्ण वजन कितना है 800 ग्राम, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, यस और नो, ठीक है। आगे देखिए, एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करके करता है और फिर क्रय मूल्य पर 32% का लाभ कमाता, कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहां पर मान लेते हैं कि यहां 1000 ग्राम का बाट था, यानी 1000 ग्राम का वजन था, ठीक है। और अगर हम लोग मूल्य की बात करते हैं तो 1 ग्राम 1 रुपये में है ना, तो लागत आ रही है, तो 1000 ग्राम की लागत कितनी होगी, 1000 रुपये ही होगी, ये आ गई मेरी लागत। अब देखिए इस पर क्या है, 32% का लाभ, 32% का लाभ कमा रहा है, यानी इस पर वह 32% का क्या कमा रहा है, लाभ, और यही मेरी लागत है। क्या है मेरी लागत है, 1000 ग्राम मतलब 1000 रुपये की लागत है, कितने परसेंट का लाभ है, 32% का लाभ है, 32% का लाभ है। तो कुल मिला के अगर 1000 का 32% लाभ यानी 132/100 निकालोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 1320 रुपये आ जाएगा। इसके बाद में मुझे बताइएगा, बोला यह गया है कि लागत यानी वास्तविक वजन से, वास्तविक वजन कितना था 1000, लेकिन उसमें कितना परसेंट कम तोला गया है, 12% कम तोला गया है, अच्छी बात है। अगर ये 12% कम तोला गया है वजन, तो आप मुझे बताइएगा 1000 का 12% कम का मतलब 88/100, 20 से 20 कितना आ जाएगा, 880, कितना हो जाएगा 880, राइट। आप मुझे बताओ 880 आ चुका है कि नहीं आ चुका है। अब मुझे बताइए ये मेरी नई लागत हो गई है, 1000 रुपये के स्थान पर कितने रुपए की लागत हो गई, 800, लेकिन वो 32% का लाभ इतने रुपए में बेचा था, इसका मतलब अब लाभ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा उसका। अब देखिएगा कितने का लाभ ज़्यादा हो रहा है बताइए, 440 रुपये का लाभ है, और लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो 440/880/100, और इससे पता लग जाएगा कुल मिला के कितनी लागत आई है, 0 से 0 कितना आएगा, 2 का भाग देंगे 50%, राइट। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, यस और नो, अरे हाँ या ना, क्लियर है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 12% का लाभ होता है, यदि कोई छूट ना देकर वह वस्तु अंकित मूल्य पर ही बेची जाए तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हम अगर एक बार कंसेप्ट देखते हैं तो हमें ये पता है कि MRP पर ही हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट देने के बाद हमें क्या मिलता है, विक्रय मूल्य मिलता है, यही चीज जानते हैं हम लोग, ये जानते हैं। आप मुझे बताइएगा MRP हमें पता है नहीं पता है, चलिए इसके लिए आपको एक और शर्त दी गई है, और वो कौन सी शर्त दी गई है, 12% का लाभ है।
और जब 12% का लाभ है तो लाभ हमेशा किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पर। और अब देखिए कॉस्ट प्राइस हम लोग क्या मान लेंगे? 100। तो बताएं यहाँ 12% लाभ है तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? 12% का लाभ है, कितना आ जाएगा? 112%। ठीक है कि नहीं है? 100 से 12% अधिक है तो कितना आ जाएगा? 112। एमआरपी अभी हमें पता ही नहीं है, डिस्काउंट कितना दिया गया है? 20%। इसको लिखेंगे हम लोग 1/5, और डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य आएगा वो कितना आएगा? 4/5। अब हम लोग काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा अंकित मूल्य। कटता है वो वैल्यू काट लो, 4 × 2 = 8, 4 × 8 = 32। एक्स बराबर जो आया यानी एमआरपी मेरे पास आ गया है 140। एमआरपी कितना आ चुका है? 140। पूछा क्या गया है? अगर देखिए अंकित मूल्य पर ही वह वस्तु बेची जाए, यानी इसी वस्तु पर इसी मूल्य पर बेची जाए, अब कॉस्ट प्राइस कितना है? 100। अब देखिए ये तो क्या हो चुका है? एमआरपी, और ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस 100। तो इसी मूल्य पर बेचा जाए, ठीक है कि नहीं? कितने का लाभ हो रहा है? 40 का। और देखिए यहाँ पर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, तो क्रय मूल्य 100 है, इस वजह से जितने का लाभ हो रहा है उतने का ही लाभ प्रतिशत होगा। तो क्या आंसर आएगा? बी ऑप्शन आंसर। अब आप लोगों को पता है ऐसे प्रश्नों को करने का जो बेसिक तरीका पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ए रुपये में देखिए कितनी वस्तुएं, 20 वस्तुएं क्या हो रही है बताओ? खरीदी गई है। और सी रुपये में बताइएगा, सी रुपये में डी वस्तुएं बेची जाए। तो इसके लिए हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा था? एक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए क्या होगा? रुपये बटा वस्तु। एक वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए क्या होगा? रुपये बटा वस्तु। क्लियर है? और फिर हम लोग क्या कर देंगे इसमें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आएगा? एडी बराबर क्या होगा? बीसी। एडी अनुपात भी लगा सकते हैं, अनुपात ही रहेगा, सॉरी, एडी अनुपात बीसी। और ये किसका रेशियो आ जाएगा? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। इससे लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसमें मुझे बताओ, एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? रुपये बटे वस्तु। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? रुपये बटा वस्तु। ये आ गया रेशियो। अब हम लोग काटेंगे, कैसे काटेंगे? 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा? 4। ये कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, बताइएगा इसमें कितने का लाभ हुआ है? 5 रुपये का लाभ हुआ है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5/4 गुणा में क्या आएगा? 100। जिसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 4 का भाग देंगे, कितना आएगा? 25। 25 × 5 = 125। 125% का क्या हुआ है? लाभ। कौन सा आंसर आएगा? डी ऑप्शन आंसर होगा। तो है एक व्यक्ति ने कितनी वस्तुएं खरीदी हैं? 2 वस्तुएं खरीदी हैं। एक पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ है और दूसरी पर कितने प्रतिशत की हानि है? 5% की हानि है। दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है? 60 रुपये। मैं समझाना चाहूँगा कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य मान लेते हैं, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना मानूँ बताइएगा? 100। अगर पहली वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ है बताइए? 10% का। दूसरी वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि है बताइए? 5% की। बताइए सेलिंग प्राइस कितना आएगा बताइएगा? 110। बताइए सेलिंग प्राइस कितना आएगा बताइएगा? 95। हाँ या ना? अरे बताइएगा हाँ या ना। ठीक है, आप मुझे बताइए दोनों में कितने का अंतर है? कितने का अंतर है बोलो तो सही, दोनों में कितने का अंतर है? 15 का। तो बताइए 15 = कितना होगा? 60। 1 = कितना होगा? 4। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइएगा, अगर मैं एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालता हूँ
तो 100 रेशियो कितना हो जाएगा, 400। तो हम लोगों को तो दो वस्तुओं का क्रय मूल्य निकालना है, तो यहाँ भी कितना आएगा, 400। ये पहली वस्तु के लिए, ये दूसरी वस्तु के लिए, टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 800। बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्या समझ में आया, कितनी वस्तुएं हैं यहाँ पर, एक वस्तु नहीं है, दो वस्तु है, तो दोनों का क्रय मूल्य अलग होगा, दोनों का विक्रय मूल्य अलग होगा। समझ में आई बात। चीज क्या है ये वाली चीज, जब आपसे परसेंटेज में ही मान पूछा है तो आप एक ऐसा मान लीजिए जिससे कि आपके लिए आसानी रहे। अब मानिए कि इसकी जगह अगर मैं माना लेट कितने, 300, क्योंकि 300 का एक तिहाई करना मेरे लिए क्या होगा, आसान। यस और नो, 300 का एक तिहाई करना आसान होगा कि नहीं होगा, राइट? यहां आसान नहीं होगा आपके लिए, यहां आसान होगा। जब मुझे यहां परसेंटेज में मान पूछा गया है तो मैं मान सकता हूं, क्या ही दिक्कत है। इस वेल इसके ऊपर जो काम हो रहा है वो 300 के ऊपर कर लेंगे। 100 नहीं माना क्योंकि 3 का भाग नहीं जाएगा 100 में, इसलिए मैंने क्या माना है, 300 माना है। अब बताइए 300 का एक तिहाई, बताइए, अब बताइए, आप टुकड़े कर लीजिए, आपके पास है 300, इसका एक तिहाई अलग कर लो और दो तिहाई अलग कर लो, बताओ दो भागों में तो है। 300 का एक तिहाई कितना होता बताइएगा, 100, 3 का भाग देंगे तो, और 300 का दो तिहाई कितना होता बताइएगा, बोलो कितना होता, 3 का भाग देंगे 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 200। यस और नो, तो बताइए। अब मेरे पास जो कॉस्ट प्राइस हो गई, पहले एक तिहाई मतलब 100 रुपये, और कितने परसेंट की हानि पर बेच रहा हूँ बेटा, 15% की हानि पर। कितने परसेंट की हानि पर, माइनस का चिन्ह लगा लेना, किसका चिन्ह लगा लेना, अब आपकी मर्जी है कि 15% को आप 15 लिखते हैं या 15% रखते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में आसान है कैलकुलेशन, ठीक है। मैंने क्या लिखा यहाँ, 3/20। आगे बताओ, लाभ हो रहा है लेकिन कितनी कंडीशन पर, 200 रुपये पर। कितने का लाभ हो रहा है पता ही नहीं है, लाभ होगा हो कि हानि होगी अपने आप निकल के आएगा। बराबर टोटल कितना है बताइए, 300, अरे कितना है, 300, और इस पर टोटल कितने का लाभ हो रहा है बताओ, 15%, मतलब कितना लिखूं, 3/20। यस और नो, ठीक है। अब हल करेंगे हम लोग, 20 × 5 = 100, 5 × 3 = 15, -15 आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना। इसके बाद में मुझे बताइए, ये तो 200x है, 0 से 0 2 का भाग देंगे 15, 15 × 3 = 45। अब बताइएगा 15 उस तरफ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, लेकिन यहाँ भी 100 आएगा तो 100 से 100 कट जाएगा। यस और नो, परसेंटेज में रहेगा ना x का मान, कितना परसेंट आएगा, ठीक है। 15 उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 2x बराबर कितना, 60, तो x बराबर कितना, 30, तो कुल मिला के यहाँ डिस्काउंट होगा किसका आएगा, डिस्काउंट होगा किसका होगा, सॉरी यहाँ पर शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा, सॉरी डिस्काउंट नहीं, कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा है, 30% के लाभ पर। कौन सा आंसर आएगा, डी ऑप्शन आंसर आएगा। समझ में आई बात, ठीक है कि नहीं है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रश्नों में आप क्वेश्चनों को थोड़ा इजी बना सकते हैं। ये कैलकुलेशन टाइप का क्वेश्चन दिया है, लेकिन आपको उस इस चीज़ को नहीं लेना है, बस ये ध्यान रखना। बढ़ जाऊँ आगे, दुकानदार 10% की छूट देता है तो उसे 10% का लाभ होता है। समान स्थिति में यदि वह 25% की छूट प्रदान करता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, ठीक है। आप मुझे बताओ, छूट हमेशा किस पे मिलती है, एमआरपी पर, और लाभ हमेशा किस पे मिलता है, एसपी पर। इस स्थिति में यदि वह 25% की छूट प्रदान करता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। अगर हम करना चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, समझना चाहे समझ सकते हैं, ठीक है। एमआरपी, ठीक है, मैं एक बार ले लेता हूँ सीपी, और क्या आएगा बताइए, बढ़ा के अंकित करें हम लोग, कुछ ना कुछ बढ़ा के अंकित करें तो क्या आएगा, एमआरपी, और एमआरपी में कुछ छूट दी जाती है तो क्या मिलता है, एसपी, ठीक है। आप मुझे बताइए, अगर मैं क्रय मूल्य को 100 मानता हूँ, अगर क्रय मूल्य को 100 मानता और उसमें क्या होगा बताइएगा, इसमें हो जाएगा मेरे पास 10% का लाभ,
तो कितना हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा 110, ठीक है। और बोला गया समान स्थिति में यदि 25% की छूट दी जाए, पहले 10% की छूट तो ले लें हम लोग। आप लोगों को पता है कि इस आधार पर अगर क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य 110 आ जाएगा। और मुझे बताओ अगर मैं इससे अगर MRP डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, फ्रैक्शन फॉर्मेट से भी निकाल सकता हूँ। अगर MRP को मैं X मानूँ तो छूट कितने परसेंट की है बताइएगा, छूट कितने परसेंट की है, छूटी तो मिलेगी MRP पर, कितना परसेंट है, 10% का मतलब 1/10, कम करूँगा तो 9/10, तो ये आ जाएगा 9/10 बराबर में आ जाएगा। इससे मुझे क्या मिल जाएगा, MRP का मान आ जाएगा, MRP का मान आ जाएगा। तो फिर अगर 25% की छूट दे तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा ये निकालना है। अगर हम लोग काटते हैं तो कटते तो है नहीं, तो ये MRP मेरे पास आ जाएगा, MRP आ जाएगा 1100/9, ठीक है। अब मुझे बताइए कि MRP पे फिर सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा नया, कितने परसेंट की छूट है 25% की, 1100/9 × 3/4, जितना कटता वो काट दो, 3 से काट देंगे इसको, 3 × 3 = 9, कितना बच जाएगा 1100/12। आप मुझे बताओ CP कितना है बताइए 100, और SP कितना है बताओ 1100/12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1200, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1100, कट जाएगा क्या बताओ, कितने का लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, कितने की हानि हो रही है, 1 की हानि हो रही है, किस में से हो रही है, किस में से हो रही है, 12 में से हो रही है। तो ये हो जाएगा मेरे पास हानि प्रतिशत, क्या हो जाएगा 1/12 × 100, जिसका मतलब होता है 8 से ही 1/3, ठीक है। और इसको लिखेंगे हम लोग 8.33% की क्या हो जाएगी हानि, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, एक और क्वेश्चन देखो, ये तो क्या ही क्वेश्चन है, कर लो। 15,000 रुपये में बेचने पर 3,000 रुपये का लाभ है, विक्रय मूल्य कितना है 15,000 रुपये, और लाभ कितना है 3,000 रुपये, और हमें यह पता है कि 3 0 से 3 0 कट गए, 3 5 15, 3 1 = 3, शॉर्ट में कर दिया। अब हम लोग CP निकाल लेंगे, CP आप मुझे बताओ CP अनुपात में चाहिए। अगर विक्रय मूल्य 5 है, लाभ 1 है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य कम होगा तभी तो क्रय मूल्य में अगर मैं लाभ जोड़ूंगा तभी तो विक्रय मूल्य आएगा। तो अगर क्रय मूल्य 4 होगा, 4 में 1 जोड़ूंगा तभी तो विक्रय मूल्य 5 होगा, क्लियर है। आप मुझे लाभ प्रतिशत निकालना है तो निकाल लेंगे हम लोग। अब लाभ कितने का 1 का, क्रय मूल्य कितना 4, गुणा में कितना 100। अब बताइए 4 का भाग देंगे कितना आएगा 25, 25 का क्या आ जाएगा प्रतिशत, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक चादर का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 14% अधिक है, यदि अंकित मूल्य पर 14% की छूट दी जाती है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कभी भी देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो कभी कभी क्या शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई हो जाती है, लेकिन इतना जरूर याद रखना शॉर्ट ट्रिक तभी होगी जब एक बार तो आपको देखिए मूल्य बढ़ाया जाए क्रय मूल्य पर, और दोबारा क्या होगा बताओ, दोबारा छूट दी जाए अंकित मूल्य पर, ठीक है। और ये दोनों ही काम हो रहे हैं, तो अगर आप ये करना चाहे तो कर सकते हैं। क्या होगा बताओ, x प्लस का y माइनस का xy/100, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक लग जाती है अगर लगाना चाहे तो, क्रय मूल्य से बढ़ाकर। कब लगानी है कंडीशन, जब क्रय मूल्य से बढ़ा के, कितना बढ़ाया है 14 जैसे बढ़ाया है, फिर आपके पास आएगा MRP, और MRP पर क्या दी गई है छूट वही 14 की। तो ये कंडीशन है कि क्रय मूल्य से बढ़ाया जाए अंकित मूल्य आएगा, अंकित मूल्य के बाद में आपको क्या मिलेगा विक्रय मूल्य। तो यहाँ तो क्या दिया है मतलब बढ़ा के मूल्य, और यहाँ छूट दी गई है, इस कंडीशन में ये लगा सकते हैं, हर कंडीशन में नहीं लगा सकते। अब बताइएगा इसमें अगर ये 14
प्लस का है और ये माइनस का है और ये 14 इंटू 14 बटे में 100। तो अगर हम लोग डायरेक्टली करते हैं तो ये कैंसिल आउट, 196 में 100 का भाग देंगे कितना आएगा, 1.96% का, और माइनस का चिन्ह क्या बता रहे हैं, लॉस। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अलमारी 14,360 रुपये में लाई गई और इसके परिवहन पर 240 रुपये खर्च किए, 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। एक बात मुझे बताओ, वैसे तो क्रय मूल्य कितना था इसका, वैसे तो क्रय मूल्य कितना था इसका, अगर देखा जाए तो वैसे क्रय मूल्य इसका 14,360 रुपये था। कितना था, 14,360 रुपये था। अब बताओ इस पर कितना खर्च किया गया है, 240 रुपये खर्च किया गया है, ठीक है, 240 रुपये खर्च किया गया है। आप मुझे बताओ जो खर्च किया जाता है वो किस में ऐड होता है, क्रय मूल्य में। तो अब टोटल क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो 14,360 और 240 और ऐड करेंगे तो 0, 10, 5 और 1, 6, 14,600, और ये मेरा क्या हो जाएगा, नया क्रय मूल्य। मुझे बताओ इस पर कितने परसेंट डिस्काउंट है या लाभ है, सॉरी लाभ है, डिस्काउंट नहीं है, और डिस्काउंट तो MRP पे होता है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, ठीक है। तो मुझे बताओ 15% का मतलब कितना होता है, 3/20, और बढ़ा देंगे तो 23/20। आपको पता है नीचे वाला क्या है CP, ऊपर वाला क्या है SP। डायरेक्ट करेंगे, SP निकालेंगे, क्या निकालेंगे, SP निकालेंगे। कैसे निकालते हैं SP, CP कितना, 14,600, रेशियो कितना है CP का, 20, और SP कितना है, 23, भाग दे देंगे हम लोग 2, 3, अब गुणा कर देंगे कितना आंसर आ जाएगा, 16,790। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाए, 16,790। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने पुराने स्टॉक को क्रय मूल्य से 25% हानि पर बेचता है लेकिन 30% कम वजन का उपयोग करता है, उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है, उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। एक दुकानदार अपने पुराने स्टॉक को क्रय मूल्य से 25% हानि पर बेचता है। अब बताइएगा 25% हानि का मतलब कितना होता है, 1/4, हानि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4, ठीक है, लेकिन 30% कम वजन का उपयोग करता है। अच्छा, वजन वाला क्वेश्चन है तो फ्रैक्शन का यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी करे तो भी चल जाएगा। मुझे बताइए, मान लेते हैं कि यहाँ वजन कितना है, टोटल कितना है, 1000 ग्राम। अब मुझे बताइएगा इसमें हानि कितने की हुई है, 25%, जिसका मतलब कितना है, 3/4। मुझे क्या निकालना है, SP, और SP निकालने का तरीका सिंपल सा है, ये CP है, CP में CP का भाग देंगे 4 × 3, कितना हो जाएगा बताओ, 750। क्या समझ में आ गई बात, ये क्लियर हो चुका है, ये मेरे पास SP आ चुका है। अब क्या बोला गया है कि वजन कम कर दें, कर दो, कितना प्रतिशत बताओ, 30% वजन कम कर दिया गया है। अगर ये कम करूंगा तो 1000, देखो मुझे नया क्रय मूल्य मिल जाएगा क्या, 1000 का कितना परसेंट बताओ, 70%, जो कि कितना होता है, 700, कितना होता है, 700। क्या ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ नया क्रय मूल्य ये हो गया, नया विक्रय मूल्य मेरे पास है ही है, विक्रय मूल्य तो वही रहेगा लेकिन क्रय मूल्य वजन कम करने की वजह से लागत भी कम हो गई है, हाँ या ना, लेकिन बेच उतने में ही रहा है, बेच उतने में रहा है, तो पिछली बार तो हानि हो रही थी लेकिन इस बार क्या हो रहा है, उसे लाभ। बताओ कितने का लाभ हो रहा है, 50, लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा, 50/700 × 100, 2 0 से 2 0, 7 × 49, ठीक है, कितना आ जाएगा, 7.14% का क्या हो रहा है, लाभ। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा।
एक डीलर ने किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित किया और 20% की छूट देकर उसे बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक अंकित किया और छूट दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था क्रय मूल्य से बढ़ाकर अंकित किया जाए और उस पर फिर छूट दी जाए, राइट। तो ये छूट मान लेता हूं वाई है और देखो बढ़ाया कितना है, एक्स है, और इस कंडीशन में हम लोग लगा सकते हैं एक्स माइनस वाई, एक्स वाई बटे में सो लगाना चाहिए, लगा सकते हैं, नहीं तो सो मान के भी कर सकते हैं तो भी आंसर आएगा। क्या मान के कर सकते हैं? सो मान के करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। अब बताइएगा, 45 बढ़ाया गया, 20 कम किया, 45 गुणा 20 बटे में 100, राइट। अब 20 पंजे 100, 5 नौ 45, कितना आ गया? 45 में से 20 गया तो कितना आएगा? 45 में से 20 गया तो 35 माइनस 9, और कम करो, 25 कितना आ जाएगा? 25, 25 में से 9 और कम करिए, कितना आ जाएगा? 16%। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहना चाहूँगा बेचना चाहता था 250, ग्राहक को भी पता लग रहा है 250, लेकिन बेच कितना रहा है? केवल 200, यानी लागत 200 ग्राम की आ रही है और बता रहा है ग्राहक को कि 250 ग्राम बेच रहा हूँ, ठीक है। उस हिसाब से कितने ग्राम का फ़ायदा हो रहा है उसको? 50 ग्राम का। और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या निकालेंगे? इसका प्रॉफिट निकालेंगे। क्या जाएगा प्रॉफिट परसेंट? 50 बटे 200 गुणा में 100 काटेंगे तो क्या आएगा? 20 से 20 कितना आएगा? 25%, ठीक है। 25% क्या आ जाएगा इसका आंसर? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स एस ने 40 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर चीनी खरीदी और एक्स रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। वजन तोलने वाली मशीन में खराबी के कारण मशीन 1 किलोग्राम वजन दिखाती है जबकि वास्तविक वजन 800 ग्राम है। उसका लाभ प्रतिशत 30% है तो एक्स का मान क्या होगा? अब एक बात बताइएगा, ये 40 किलोग्राम चीनी खरीदी है तो उसका अर्थ ये हुआ कि ये 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम कितने रुपए में बताइए? 40, तो 800 ग्राम के हिसाब से क्या क्या कैसे खरीदा होगा? 40 बटे 1000 गुणा 800, तो लागत ऐसे आएगी, तो कितने में आए? 20 से 20, 0 से 0, यानी उसके लागत एक्चुअली 40 रुपये की बजाय कितने रुपए की बढ़ी? 32 रुपये की। अब देखिए इसमें कितने प्रतिशत का लाभ कमा लिया? 10% का। ये मेरे पास कॉस्ट प्राइस हो गया है, सॉरी। अब मेरे पास देखिए ये कितना है? 30% का लाभ है। ये मेरे पास सीपी हो गया और ये 30% का लाभ है। और ये 30% का मतलब क्या होता है? 3/10 लाभ हुआ तो 13/10। हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं नीचे सीपी होता, ऊपर एसपी होता है। अब बताइएगा, मैं एसपी निकाल सकता हूँ इसी के कंडीशन के आधार पर? 32 सीपी है, यहाँ सीपी कितना है? 10, एसपी कितना होगा? 13। सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? अब आप देखिएगा, ये मान लेते हैं ऐसे के ऐसे ही हैं, आप इसको ऐसे के ऐसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आपसे पूछा गया है तो एक्स रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो वजन तोलने वाली मशीन में खराबी, तो आपको बस डायरेक्टली आंसर निकालना, आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा? 41.6। समझ में आई बात? जो भी करेक्शन करना था ये वाला, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो लैंग्वेज बड़ी है लेकिन अगर हम सॉल्यूशन देखते हैं तो बिल्कुल छोटा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रवि ने 2 बाइक प्रत्येक 42,188 रुपये में बेची। एक बाइक पर 20% का लाभ जबकि दूसरी पर उसे 20% की हानि हुई, उसे कुल मिलाकर कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? ठीक है, अब मुझे बताइएगा, कुल मिला के निकालना है तो इसके स्थान पर चेंज कर लें क्या हम लोग?
इसके स्थान पर एक ऐसा मान जो कि भाग चला जाए एसपी का, बताओ ये कितना होता है? 20% का मतलब, 20% का मतलब कितना होता है? 1/5 लाभ है तो। और इसमें भी देखिएगा, ये 20% हानि का मतलब 1/5 ही होता, लेकिन हानि हुई तो इसके 4/5। अब बताओ इसका एसपी कितना है, बताओ इसका एसपी कितना है बताओ, और दोनों का भाग जाए ऐसा कोई एसपी मानो, 24। बढ़िया, 12 भी मान सकते हैं, 24 ही मान लिया आपने, बोला 24 पहला एसपी, दूसरा भी 24 ही मान लो, राइट। और टोटल कितना हो जाए बताओ, 48। कोई समस्या नहीं है। अब मुझे बताइएगा, सीपी निकालूंगा मैं, अब मुझे बताओ एसपी 24 है और यहाँ से एसपी कितना है रेशियो में, 6, तो बताओ 24/6 लिख दूँ, गुणा 5, 6×6=24। पहला सीपी कितना आया, 20। दूसरा सीपी निकाल लेते हैं, दूसरा सीपी बताइए एसपी कितना है, 24, और इसमें पहला रेशियो वाला एसपी कितना, दूसरा 4, गुणा में 5 काटेंगे, 4×6=24=30। कुल मिला के सीपी कितना हो गया, 50। अब बताइएगा सीपी से एसपी जाएंगे कितने की कमी हुई, 2 की कमी, परसेंट निकाल सकते हैं। तो इसकी बजाय के मतलब टफ कैलकुलेशन की बजाय इसे आप सिंपल कैलकुलेशन उठा सकते हैं, क्योंकि कुल मिला के लाभ या हानि परसेंट पूछा है। क्या आ जाएगा, लाभ परसेंट या हानि परसेंट है, हानि परसेंट 2/50 गुणा 100, 50 का भाग दिया 2, कितना आया, 4%। ठीक है, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको याद होनी चाहिए, जब विक्रय मूल्य समान हो और लाभ बराबर हानि हो तो शायद हम लोग डायरेक्ट हमेशा हानि परसेंट आती है कुल मिला के, और वो होती है x²/100, यानी 20² / 100 कितना हो जाएगा, 400/100 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4% की हानि। तो ये आप लोगों को पता है, पहले ही पढ़ चुके हम लोग, ये हमें पता होना चाहिए, ये पढ़ चुके हम लोग पहले से, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अब ये वही क्वेश्चन है, मैंने आपको समझाया था क्रय मूल्य से अगर बढ़ाकर मूल्य अंकित करें और फिर उस पर डिस्काउंट कर दें, ठीक है, तो मुझे बताओ इसको एक्स मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, वाई। ये तो बढ़ा के अंकित करेंगे एमआरपी और इस पर छूट मिली है, तो इसके लिए आप ये लगा सकते हैं और ये लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा 50 × 30 50 × 30/100, और इसके बाद में हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे 0 से 0 0 से 0, 50 में से 30 गए तो 20 − 15 = 5, कितना आएगा, 5%। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन, क्या होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। हाँ जी, 252 रुपये में 3 टी शर्ट के दाम पर कुछ टी शर्ट खरीदी और उन्हें 500 में 5 टी शर्ट के दाम पर बेच दिया, अब मुझे बताइएगा एक टी शर्ट का दाम कितना होगा, ठीक है, एक टी शर्ट का दाम यानी क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 252/3 कितना आया, 84, कितना आया, 84। ये तो क्रय मूल्य हो चुका है। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं एक टी शर्ट का विक्रय मूल्य, अब इसके लिए क्या करेंगे, 200 में किसका भाग देंगे, 5 का, कितना आएगा, 40, और ये हो जाएगा हमारे पास एक टी शर्ट का विक्रय मूल्य। अब बताएं टी शर्ट के दाम पर बेच दिया, अब बताएं उसे लाभ हुआ या हानि हुई, हानि। अब बताएं कितने की हानि हो रही है, 44 की, और ये हानि प्रतिशत तो निकाल ही पाएंगे आप लोग, 44/84 × 100 निकालेंगे फटाफट से काट के। अब हमारे पास और ऑप्शन है, 1100 में 21 का भाग देंगे कितना आ जाएगा,
52.4%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन। एक व्यक्ति ने दो कलमों में से प्रत्येक को 12 रुपए में बेचा, एक पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई, कुल मिला के उसे क्या हुई है, ये चेक करना है। और अब देखो, अगर ट्रिक लगाएं तो ट्रिक लगा सकते हैं, क्योंकि पहला विक्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य समान है। एक बार उसे लाभ हो रहा है बराबर हानि प्रतिशत बराबर एक्स है, तो कुल मिला के हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, कुल मिला के हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 100। और जब आप सोल्व करेंगे एक्स का मान कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर बटे में 100, और ये हो जाएगा 4% की, कितने प्रतिशत की, 4% की हानि। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ, दूसरे पे 20% की हानि हुई, कुल मिला के उसे परसेंटेज फॉर्मेट में तो यही होगा। अब एक्चुअल वैल्यू क्या होगी वो देख लेते हैं, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, 1/25 हो गया क्या, अगर हम लोग देखते हैं इसको लिखेंगे, 4% का मतलब कितना हुआ, 4% की हानि का मतलब हुआ 1/25, राइट। और मुझे बताओ अगर बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 26/25, लेकिन घटाएंगे क्योंकि महानी हुई है ना, 24/25 हुई, क्या है, हानि। अब बताइएगा इसमें से, आपको पता हानि तो 1 रुपये की हो रही है अनुपात के आधार पर, विक्रय मूल्य कितना है 24, देखा जाए तो विक्रय मूल्य कितना है बताइए, कितना हो जाएगा, 12 और 12 कितना हो जाएगा 24, तो कुल मिला के विक्रय मूल्य 24 है, हमें निकालना हानि, तो क्या हो जाएगा बताओ, जिसका निकालना है वो मान तो ऊपर आएगा, रेशियो कितना आएगा 24, और गुणा में हानि कितने की आएगी, 1, कितना आ जाएगा बताइएगा, 1 रुपये की हानि। यहाँ वैल्यू परसेंटेज में नहीं है, यहाँ वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू है, इसलिए यहाँ आंसर मैच नहीं किया था, ठीक है, 1 रुपये की हानि। अब इसको हम दूसरे तरीके से करें तो दूसरे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ एक्चुअल वैल्यू ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ परसेंटेज फॉर्मेट में नहीं पूछा है। प्रत्येक को 12 रुपए में बेचा, पहला बताओ SP1 12, SP2 12। अब बताओ पहली शर्त पर 20% का लाभ है, मैं क्या लिखूंगा इसको, 6/5, 20% की हानि है, क्या लिखूंगा, 4/5। अब मुझे पता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, 12 में तो भाग चला जाएगा, दोनों एसपी का भाग जाता है, तो सीपी निकालना आसान है मेरे लिए, और मैं कोई वैल्यू मानूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे लाभ या हानि परसेंट नहीं पूछा है, मुझे परसेंटेज में मान नहीं पूछा, इसलिए मैं मानूंगा नहीं, मुझे निकालना पड़ेगा सीधे सीधे, ये ध्यान रखना। अब बताइए कि एक्चुअल में मेरे पास पहला विक्रय मूल्य 12 था, अनुपात कितना था विक्रय मूल्य का 6 और क्रय मूल्य का 5, 6 × 12 कितना आ जाएगा क्रय मूल्य 10, इसी प्रकार से दूसरा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य 12 है, अनुपात में विक्रय मूल्य 4 × 5, 4 × 3 = 12 कितना आ जाएगा 15, 10 और 15 कितने हो गए 25, और यहाँ कितने हो गए 24, कुल मिला के मुझे बताओ हानि हुई है कितने रुपये की, 1 रुपये की, सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, रीता कहती है कि वह अपना माल क्रय मूल्य पर बेचती है, यदि वह 100 ग्राम के स्थान पर 80 ग्राम बाहर का प्रयोग करती है। अच्छा मुझे बताइएगा, एक्चुअल में अगर वह पूरा 100 ग्राम खरीदी है और फिर बोल भी रही है कि 100 ग्राम ही बेचूंगी मैं, लेकिन फिर उसे आइडिया आता है, क्यों ना मैं बेईमानी कर लूँ, दिखाऊं 100 ग्राम लेकिन बेचूंगी कितनी, यानी उसके लागत कितनी आई है 80 की, बोल कितनी रही है 100 ग्राम, कितने ग्राम की बेईमानी हो गई,
कितने ग्राम का लाभ हो गया? 20 का लाभ प्रतिशत आ गया क्या? लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा? 20 बटे 80 गुणा 100, 20 चौके 80, 25%। कौन सा आंसर? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एक दुकान नियमित रूप से अंकित मूल्य पर 12% की छूट प्रदान करती है, त्योहारी सीजन के दौरान 10% की कार्मिक छूट प्रदान भी करते हैं और मालिक अभी 5% लाभ भी अर्जित करता है, 10 कार्मिक की छूट भी प्रदान करते हैं, यह अतिरिक्त में छूट है। यदि नियमित छूट के साथ केवल 4% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है, हम सो मान के करेंगे, थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा। मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 है, अब बताओ लाभ ले लूं सीधा ही कितना आया बताइएगा? पहले तो इस पे MRP आता है और फिर आता है विक्रय मूल्य। आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, यहाँ कोई मान दिया नहीं गया तो इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद में यहाँ दो छूट दी गई है लगातार, कितनी छूट दी गई है? दो छूट दी गई है, और सीधा लाभ कितना मिला है बताओ? 5% का, तो 100 के हिसाब से कितना हो गया? 105। पर मुझे बताइए MRP निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं MRP X है, पहली छूट कितनी है बताइएगा? 12%। 12% को क्या लिखेंगे? 12% को कितना लिखेंगे? 12% को 1/8 नहीं लिखेंगे, 3/3 क्या लिखेंगे? 25। और छूट देंगे तो क्या लिखेंगे? 22/25। दूसरी अतिरिक्त में छूट कितनी है? 10%। क्या लिखूंगा 10% को? 9/10 लिख दिया, 9/10 बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास MRP आ चुका है, थोड़ा हल कर लेंगे, थोड़ा काट के, 3 + 9 = 9, 3 × 5 = 15, और कोई कटिंग होती है? हल्की सी कटिंग होती है काटे तो, ठीक है, बाकी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 और 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x बराबर कितना आया बताओ? 125 × 35/33। ये आ चुका मेरे पास MRP, पर मुझे ये भी पता है कि MRP पर कितनी बताइएगा? 4%, पहले वाली छूट तो है ही है। MRP पर 125 × 35/33, ये तो रहेगा, ये तो MRP है, इस पर पहली छूट कितनी थी बताओ? 3/25, तो बचेगी कितनी बताइए? 22/25, और दूसरी छूट कितनी है बताइएगा? 4% की दूसरी छूट है, जिसे क्या लिखेंगे? 1/25, सही लिखेंगे तो 24/25। अब मेरे पास नया विक्रय मूल्य आ जाएगा यहाँ से, 11 × 22 = 33, ठीक है, 25 × 125, 5 से काटेंगे 5, 5 × 7 = 35, 3 × 8 = 24, कुल मिला के नया विक्रय मूल्य हो जाएगा 7 × 8 = 56 = 112। अब बताओ क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 112, बताओ लाभ कितने का हो रहा है? लाभ कितने का हो रहा है? 12% का। क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 112, नया लाभ क्या हो जाएगा? 12% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 200 रुपये प्रति लीटर पर तेल बेचता है, जिसने उसे 160 रुपये प्रति लीटर में खरीदा, लेकिन वह बेचते समय 1 लीटर के स्थान पर केवल 800 ग्राम तेल देता है। अच्छी बात है, पहले मुझे बताओ खरीदा बेचा कितने में है? 200 रुपये में, ठीक है, कितने रुपए में बेचा है? 200 रुपये में, खरीदा कितने में? ये क्या हो चुका है मेरा? SP, ये क्या हो चुका है मेरा? CP, और मुझे बताओ SP और CP, CP 160, SP 200, थोड़ा निकालेंगे, 4 × 16, 4 × 5 = 20, कितना बताइएगा प्रॉफिट कितना आया बताइए? लाभ प्रतिशत 1/4 × 100 कितना आएगा? 25%, जितना आराम से जल्दी निकाल सके उतना निकाल सकते हैं।
एक्चुअली क्या है, मान लेते हैं कि 1000 मेरी लागत आई शुरुआत में, और इस लागत में डायरेक्टली कितने परसेंट का लाभ हो रहा है मुझे? 25% का। और मुझे बताओ इस आधार पर मुझे कितने रुपए का लाभ हो रहा है, जल्दी से बताओ कितने का? 25% का मतलब क्या होगा, 5/4 1250 हो जाएगा क्या? ठीक है। अब इसने बोला कि इस 1000 मिलीलीटर की बजाय मैं 800 मिलीलीटर ही तोलता हूं, सही है? तो मेरी लागत अब कितनी आ रही है बताइएगा, 850। और यहां लागत कितनी आ, सॉरी विक्रय मूल्य कितना है यहां पर, और यहां लागत केवल कितनी आ रही है, 800। तो इस आधार पे अब मुझे बताओ लाभ कितने का हो रहा है, इस आधार पे लाभ कितना हो रहा है, 450। और लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, 450/800×100। मैं इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा, भाग दे दो कितना आता है, 8×5=40, 8×6=48, 8×2=16, 56.25%। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन। एक व्यापारी 50,000 में 50 कुर्सियां खरीदता है, लेकिन उनमें से 30 क्षतिग्रस्त हो जाती है, क्षतिग्रस्त का मतलब खराब हो जाती है। वह प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सी को सामान्य कुर्सी के विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेचने का फैसला करता है। सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि वह लेन देन पर 35% का लाभ कमा सके, 35% का लाभ कमा सके, ठीक है? मुझे बताइए कि अभी मेरे पास जो क्रय मूल्य कितना आया, 50,000, राइट? ठीक है। अब मुझे बताओ बेचा कितनी है टोटल, अगर मेरे पास 50 कुर्सियां हैं, 20 क्षतिग्रस्त हो गई है। अब मुझे बताओ एक कुर्सी का विक्रय मूल्य अगर X है तो मेरे पास टोटल विक्रय मूल्य क्या होगा, ये तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य है X, तो टोटल विक्रय मूल्य, यानी मुझे बताओ एक कुर्सी का विक्रय मूल्य X है तो बिना क्षतिग्रस्त हुई कुर्सियां, ध्यान से सुनिएगा, वह प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सियों को सामान्य कुर्सी के विक्रय मूल्य पर और बाकी के 3/4 पर बेचने का फैसला करता है। सामान्य कुर्सी के विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेचने का फैसला करता है। सामान्य कुर्सी तो कितनी, 30 थी, और किस मूल्य पर बेच रहा था, ₹1 पर, लेकिन बाकी कितनी बच गई, 20, और इन 20 कुर्सियों का विक्रय मूल्य X होना चाहिए, लेकिन उसका कितना मूल्य दिया है, 3/4, कितना, 3/4। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है बताइएगा, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य है X, 30 कुर्सियों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 30X, और बाकी 20 कुर्सियां हैं, 20X मूल्य होना चाहिए था सामान्य, तो अरे 50 कुर्सियां थी ना, तो 30 का, तो एक कुर्सी का X है तो 30 का 30X, बाकी 20 का 20X होना चाहिए, लेकिन क्षतिग्रस्त को 3/4 मूल्य पे बेच रहा है, 4×5=20, 5×3=15, तो ये 15X हो गया। अगर मैं देखूं तो टोटल कितना हो जाता बताइएगा, टोटल देखा जाए तो 30X और 15X कितना हो जाता है बताइएगा, कितना हो जाता है, 30X और 15X, ये 5×3=15X, 45X, बस ये ध्यान देना। अब बताइएगा कि लाभ कितना हुआ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है कि नहीं है? लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, लाभ परसेंट, ठीक है, सॉरी लाभ परसेंट नहीं, लाभ ही निकाल लो। लाभ कितना हुआ बताइएगा, लाभ हो चुका है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 45X-50,000, यही होता है लाभ। और अगर मैं बात करूं कि सीधे डायरेक्टली लाभ निकालता हूं तो 50,000×35% बराबर 45X, ये हो जाएगा 50,000। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा,
सॉल्व करेंगे और ये 50,000 इधर ऐड हो जाएगा, राइट। एक बार 35 को हम लोग 5 से गुणा करेंगे, 35 × 5 = 175 है, और ये 50,000 है ही है, तो मुझे बताओ ये वैल्यू इधर आके ऐड हो जाएगी। तो 50,000 में अगर 17,500 में ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास में ये 17,500 की आएगी। कितने की आएगी? 17,500 की, और ये वैल्यू इसमें आके ऐड हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी बताइएगा? 45x = 67,500। 45 का भाग दो आंसर आ जाएगा, एक कुर्सी का मूल्य आ जाएगा। किसका मूल्य आ जाएगा? एक कुर्सी का मूल्य आ जाएगा। 67,500 में किसका भाग देंगे? 45 का। डायरेक्ट दे तो डायरेक्ट दे देंगे, ठीक है, डायरेक्ट नहीं दे तो डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं। 5 × 9 = 45, 5 × 3 = 15, 5 × 25 कितना आएगा बताओ? 1,500 रुपये। क्या हो जाएगा एक कुर्सी का? एक खुदरा विक्रेता 86,000 के अंकित मूल्य वाले एक फूड प्रोसेसर को बेचने के लिए उस पर 40% की छूट की घोषणा करता है। फूड प्रोसेसर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 60% कम है। यदि खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर का अपना सदस्यता कार्ड दिखाता है तो उसे 10% की अतिरिक्त छूट मिलती है। सदस्यता कार्ड के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ सदस्य कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना प्रतिशत है? ठीक है, अब मुझे बताइए पहली कंडीशन ये क्या है? MRP, और इस पे कितने परसेंट की छूट है? 2/5 की छूट है, यानी 3/5। विक्रय मूल्य निकालूंगा इससे तो कितना आएगा? 3/5। क्या निकाल सकते हैं? क्या कितना आ जाएगा बताइएगा? आप इस वैल्यू को उठा भी सकते हैं, इसकी जगह आप लोग 100 मान के भी कर सकते हैं। बताइए कितना आया इसमें अगर सोल्व करेंगे तो? 5 × 5 = 5, 5 × 7 = 35, ये आ जाएगा क्या? अब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6, ये आ जाएगा मेरे पास। ओके, ये मेरे पास वैल्यू आ गई, ये मेरे पास विक्रय मूल्य आ गया है। आप मुझे बताइएगा, बोला ये गया है कि फूड प्रोसेसर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 60% कम है। अंकित मूल्य से कितना कम है? 60% कम है, यानी कॉस्ट प्राइस में निकालूंगा तो 60% का मतलब कितना होता है? 60% का मतलब 3/5, कम करूंगा तो 2/5। नीचे वाला मान क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। ऊपर वाला, सॉरी, अंकित मूल्य से 60% कम है तो नीचे वाला मान क्या होगा? MRP। ऊपर वाला क्या होगा? क्रय मूल्य, यही होगा। वैसे भी MRP ज़्यादा होता है क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य कम होता है MRP से, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि मेरे पास अंकित मूल्य 86,000 है, अंकित मूल्य 5 है, क्रय मूल्य 2 है, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 × 5 = 3, कितना आ जाएगा? 17,200। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 34,400, ठीक है। अब ये बोला गया है अपना सदस्यता कार्ड दिखाता है तो उसे 10% की अतिरिक्त छूट मिलती है। अच्छा, पहले कितने की छूट थी? 40% की। नया विक्रय मूल्य मेरे पास निकल के आ जाएगा, दूसरा विक्रय मूल्य क्या आएगा बताइएगा? मेरे पास 86,000 रुपये हैं ही हैं, ठीक है, और इस पर पहला विक्रय मूल्य कितना? 3/5, दूसरा कितना है? 10% की, यानी 9/10। हल कर लो इसको, 5 का भाग देंगे 1,17,20 आ जाएंगे क्या? अब एक बार गुणा कर दो, कितना आया जल्दी से? 0, 6, 7, 21, 3, 4, 5, 9 से और गुणा कर दो, 0, 54, 9 × 9, 9 × 5 = 14, और 9 × 5 = 45, और 1 = 46,
ये हो जाएगा 46, ठीक है, ओके। तो क्रय मूल्य ये हो जाएगा और विक्रय मूल्य ये हो जाएगा। क्या बोला गया है आगे बताइएगा, सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ, सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना प्रतिशत है। अब बताइएगा अगर इस आधार पे लाभ देखते हैं तो कितना आया बताइए, इसके आधार पर, इसके आधार पर तो देखो 51,600 में से कितना घटा दो, 34,400, तो यहाँ कितना लाभ आ जाएगा, 0,02, 11 में से 4 गए तो 7 और 4 में से 1 गए 17,200। ये मेरे पास क्या है, और 0,40 और 2,1 12,040 का, तो 12,040 बटे में 17,200 गुणा में 100 भाग देने की कितना आता है, 172 का भाग दो फटाफट से, ठीक है कितना आ जाएगा बताइएगा, 70 नहीं, 70 ही आ रहा है क्या, 12, 120, 120, 120, 120. ठीक है 70 आ रहा है, तो 70% मेरे पास आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यदि वह वजन में गड़बड़ी 5 से ही 5/19% कितना होता है, ये 1/19, और अगर लाभ हुआ तो 20/19, और वजन में गड़बड़ी कितने किलोग्राम से, 1 किलोग्राम से, सही है। आप मुझे बताइएगा वैसे तो 1000 ग्राम था इसमें से, ये तो विक्रय मूल्य तो 1000 ही रहेगा, लेकिन लागत 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 कितनी आई ये पता नहीं है, तभी हम लोग अंतर निकाल पाएंगे। तो परसेंटेज में मान दिया हुआ है अपने को, और ये क्या है सीपी और ये क्या है एसपी, तो मैं कहूँगा कि बताइए सीपी निकालेंगे तो क्या होगा, एसपी 1000 है, एसपी 20 है गुणा में 19 सीपी है, सोल्व करेंगे तो 20×5 100 कितना आ जाएगा, 950। अगर ये 950 है तो मुझे बताओ कितने ग्राम की गड़बड़ी की गई है, 50 नहीं, कितने ग्राम की गड़बड़ी की गई है, 50 ग्राम की, 19×5 95, ठीक है 50 ग्राम की गड़बड़ी की गई है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन, किराने का 1/3 भाग 18% लाभ पर बेचा जाता है, 1/4 भाग 25% लाभ पर बेचा जाता है, और शेष 30% लाभ पर बेचा जाता है। मान लेते हैं कि टोटल कितना है बताइएगा, मान लेते हैं टोटल अगर मैं 12 लेता हूँ, 12 का 1/3 कितना हुआ बताइए, 4, 1/4 कितना हुआ बताइए, 3, और शेष कितना होगा, शेष 4 और 3 7, 12 में से 7 गए तो 5, ये पार्ट आ चुके हैं हमारे पास, ठीक है हिस्से आ चुके हैं। अब बोला गया है कि इसको 18% लाभ पर, 4 को कितने के लाभ पर, 18% लाभ पर, प्लस का लगा दूंगा मैं, विक्रय मूल्य नहीं ले रहा केवल लाभ लाभ ले रहा हूं मैं, और दूसरी कंडीशन पर 25% का लाभ, ठीक है 3×25% का लाभ, और शेष पर 30% का लाभ, शेष ये है और इस पर 30% का लाभ। अब बटे में क्या आएगा, सभी में सो तो आता ही आता है, क्या आएगा बताइए, परसेंटेज में है ना, परसेंटेज में है, बराबर क्या आएगा 1980। अब बताइएगा अगर हम लोग देखिए इनको ऐड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 18×4 72, ये तो हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 75,
और ये कितना हो जाएगा 150, ऐड कर देंगे। ये 72 है याद रखना, 18 चौक 72, सबको ऐड कर देंगे। तो सबको ऐड करने पर कितना आ रहा है, कितना 5, 7, 297। 297 बटे में कितना आएगा 100, क्योंकि सारी मान परसेंटेज में है, बराबर कितना आ जाएगा 198। 100 को गुणा कर देंगे 297 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 1% बराबर 198 गुणा 100 बटे में 297। और अगर मुझे कितना निकालना, 12% निकालना है तो 198 गुणा 100 बटे में 297 गुणा 12। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो पूरी तरीके से क्या आंसर आएगा, 8000। कौन सा आंसर आएगा, डी ऑप्शन। इसका भाग इसको गुणा करके दूंगा तो कितना आ जाएगा 8000। आर समान कीमत पर दो कार खरीदता है, वह एक कार को 12% के लाभ पर दूसरी कार को 8% की हानि पर बेचता है, उसके लाभ या हानि कुल प्रतिशत ज्ञात करें। अच्छा मुझे बताओ, एक पर 12% का लाभ है, दूसरे पर 12% की हानि है, कुल मिला के लाभ या हानि अपनी मर्जी से क्रय मूल्य मान लो, सुविधाजनक मानो तो मान लो, पहला क्रय मूल्य 100 है, दूसरा क्रय मूल्य भी 100 ही मान लो, मान सकते हैं क्या, कुछ और भी मान सकते थे, मानना चाहिए, तो टोटल कितना हो जाएगा 200। अच्छा पहले पर कितने परसेंट का लाभ हुआ है बताइएगा, पहले पर 12% का लाभ, तो कितना आ जाएगा, केवल 12 का लाभ हो जाएगा, 12 लाभ निकालूं या विक्रय मूल्य, दो तरीके हैं। अगर आप 112% लेते हैं तो विक्रय मूल्य होगा, और अगर केवल 12% ही लेते हैं तो क्या होगा, ये केवल लाभ होगा। अगर मैं लाभ लेता हूं तो 12 और हानि लेता हूं ये 8% की, तो क्या 8 मेरे पास हानि हो जाएगी, कुल मिला के मेरे पास 4 रुपये के क्या हो जाएगा, लाभ। अब 4 रुपये का लाभ हुआ है वो किस पे हुआ है, 200 रुपये पर, ठीक है, 4 रुपये का, तो किस फॉर्मेट में है बताइएगा, परसेंटेज में। क्या आंसर आ जाएगा बताइएगा, क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए लाभ प्रतिशत निकालता हूँ मैं इस कंडीशन में, लाभ कितने का 4 का, कितने में से 200 में से गुणा में कितना आएगा 100, सोल्व करिए कितना आंसर आएगा 2%। तो कुल मिला के मेरे पास 2% का क्या हुआ है, लाभ हुआ। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। अब ये लाभ आया है और वो 200 के हिसाब से कितना परसेंट का लाभ हुआ है, 2% का लाभ हुआ है, 100 मान के भी कर सकते हैं, ठीक है। एक महिला क्रय मूल्य पर 20% लाभ पर चीनी बेचने का दावा करती है लेकिन 30% वजन कम तोलती है, ये वही तरीका है, 1000 ग्राम मान लेते हैं और 20% लाभ का दावा करती है, जिसका मतलब हो जाता है 6/5। अब बताओ विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य 5 का भाग देंगे 6 से गुणा करेंगे, ऐसा ही होगा, क्रय मूल्य 1000 है, 5 का भाग 6 से गुणा कितना आ जाएगा 1200। निकालो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 30% अगर वजन कम तोलते हैं तो कितना हो जाएगा बताओ 700। और अब बताइएगा, हम लोगों को पता है ये कंडीशन आ चुकी है विक्रय मूल्य की, तो सीधा देखेंगे तो लाभ कितने का हो रहा है बताइएगा, 500 ग्राम का हो रहा है क्या, और लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा बताइएगा, 500 बटे में 700 गुणा में 100, 20 से 20 कितना आ जाएगा, 500 बटे में 7, 7 × 7 = 49, 71 सही, ठीक है, 71 सही, 3/7, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो। के साथ आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर से मिलेंगे लाइक शेयर के साथ में।